और एक जरूरी बात आपको हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि झारखंड पुलिस का यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है दोस्तों, तो इस बात को एकदम बढ़िया से सुन लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के रनिंग डेट के बारे में, यानी इसके फिजिकल डेट के बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि फिजिकल से पहले आपका क्या क्या होने वाला है, क्या डायरेक्ट आपका फिजिकल का डेट आ जाएगा या फिर पहले क्या होगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। तो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितना भी तरह का चीज़ हमने लिख करके रखा है, ये सब आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, इस चैनल पर आपको हम सब प्रकार का सरकारी वैकेंसी का अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं JSSC झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 के बारे में, ठीक है? यहाँ 2024 के बारे में हम लोग डेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि फिजिकल में इसका क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि झारखंड पुलिस में 4919 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला था, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका फिजिकल है, ठीक है, दूसरा प्रोसेस आपका एग्ज़ाम है, तीसरा प्रोसेस आपका मेडिकल वगैरह होगा, और फाइनल आपका ज्वाइनिंग इस पर कर देगा। लेकिन पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल आखिर क्या क्या पूछेगा, इस पर कितना कितना आपका क्या रहेगा, तो ध्यान दीजिए, PST और PET। PST मतलब होता है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको बोलते हैं आपका हाइट और चेस्ट, और PET मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसपे आपका दौड़ वगैरह होता है। तो देखिए, सबसे पहले हाइट की बात करेंगे, आपका दौड़ कितना होगा, तो ये है मेल और ये है फीमेल, 160 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर हाइट होना चाहिए था, आप लोगों को पता ही होगा, 155 सेंटीमीटर SC ST का, बाकी SC ST को छोड़ करके सभी पुरुष का 160 सेंटीमीटर हाइट जरूरत है, 148 सेंटीमीटर सभी महिलाओं का हाइट यहाँ पर जरूरी है। और हाँ दोस्तों, आप बोलिएगा कि हम SC ST कैटेगरी की महिला हैं, तो क्या मेरा और हाइट कम होना चाहिए कि उतना ही, तो उतना ही, महिलाओं का स्पेशल हाइट है 148 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। चेस्ट देख लीजिए, 81 सेंटीमीटर आपका कम से कम मिनिमम छाती होना चाहिए सभी पुरुषों का, जो जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनका 79 सेंटीमीटर भी है ना, फिर भी आप यहां पर एलिजिबल होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फीमेल का ये दोस्तों रिक्वायरमेंट नहीं होता है, समझ में आ गया। अब रनिंग देख लीजिए, रनिंग आपका 10 किलोमीटर रनिंग होने वाला है, 10 किलोमीटर रनिंग होने वाला, और दोस्तों 90% चांस है कि आपका रनिंग जो है वो रोड में होगा, ठीक है, आपका यहाँ पर चिप वाला सिस्टम लगभग मान के चलिए कि नहीं होगा, ठीक है। एक घंटा आपको समय मिलेगा सभी पुरुषों को, 5 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ाएगा, 30 मिनट इनको समय दिया जाएगा। तो यही दोस्तों आपका फिजिकल होने वाला है। अभी आखिर फिजिकल कब होगा, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन देखना क्या जरूरत है नहीं है, उस हिसाब से आप यहाँ पर दिक्कत होता होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और जब भी दिक्कत होगा कि हाइट देख लेते हैं एक बार, चेस्ट देख लेते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ जरूरी जरूरी पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर 1 में है कि पहले क्या होगा। तो पहले क्या होगा, JSSC का आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, और सबसे पहले क्या करती है JSSC, आपको पता है, कोई भी बोर्ड कोई भी फॉर्म भरवाता है तो क्या जारी होता है, रिजेक्शन लिस्ट। सबसे पहले क्या होगा, रिजेक्शन लिस्ट आएगा, रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा। जितने भी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए हैं, 15 से 17 लाख जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया है, आपको क्या लगता है कि सब दौड़ में पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट होगा ही होगा, इतनी बड़ी संख्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट किसके चलते होगा, आप लोगों के ही चलते होगा। JSSC ने बार बार टाइम दिया था कि कुछ गलती है तो सुधार लीजिए सुधार लीजिए, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती को नहीं सुधारते हैं, कोई पेमेंट किए बिना छोड़ दिए तो उसका फॉर्म तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगा, कोई सिग्नेचर बढ़िया से अपलोड नहीं किया है, कोई फोटो नहीं डाला है, कोई कुछ भी चुन करके अप्लाई कर दिया है, मतलब बहुत तरह का गड़बड़ी किए हैं। तो दोस्तों JSSC बहुत सारे विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट करती है, और इसका कारण होते हैं खुद स्टूडेंट की गलती होती है इस पर, ठीक है। तो
तो JSSC सबसे पहले क्या करेगी, आपका रिजेक्शन लिस्ट जारी करेगी। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि इतना ज्यादा जो फॉर्म फिलअप हुआ है, इसमें से 1 से 1.5 लाख फॉर्म तो एकदम रिजेक्ट होना तय है, ठीक है। 1 से 1.5 लाख फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है लगभग, क्योंकि CGL में आप लोगों को पता है कि लगभग 7-8 लाख फॉर्म भराया था और उसमें 80-85 हज़ार फॉर्म जो एकदम रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। और ये केवल JSSC नहीं करती है, कोई भी बोर्ड जो एग्जाम लेती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो एक बार रिजेक्शन लिस्ट जारी करती है कि आपका फॉर्म जो है इन कारणों से रिजेक्ट किया जा रहा है। तो JSSC भी क्या करेगी, इसका स्क्रूटनी करेगी, फॉर्म को दोस्तों चेक करेगी। वो ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, वो JSSC का विभागीय काम है, उसके माध्यम से दोस्तों यहां पर रिजेक्शन लिस्ट जारी करेगा। और जब रिजेक्शन लिस्ट आएगा ना, तो हम आप लोगों को बताएंगे, आप चेक भी कर लीजिएगा उस पर कि कहीं उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं है। तो कई पेज का वो एक PDF होता है, वो JSSC के केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आता है, तो अभी वो नहीं आया है। तो आपका फिजिकल डेट आने से पहले सबसे पहले रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा। ऐसा थोड़ी है कि सबको दौड़ में बुला लेगा, अब आप पेमेंट ही नहीं किए हैं तो आपको दौड़ में नहीं बुलाएगा, आपका फॉर्म यहीं पर रिजेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे आपकी गलती है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको इंतजार करना है JSSC का रिजेक्शन लिस्ट का, ठीक है, RL रिजेक्शन लिस्ट का वेट करना, सबसे पहले ये जारी किया जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रक्रिया है कि परीक्षा पर कितना समय मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, रनिंग डेट हम आपको अभी बताएंगे, सबसे पहले यहां पर जान लीजिए कि फिजिकल होने के बाद आपका एग्जाम के लिए कितना टाइम देगा। तो इस पे आपको ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, इस पे जो है जहां तक मुझे लगता है कि लगभग 2 से 2.5 महीना आपका यहां पर समय मिलेगा। आपका फिजिकल होगा, दौड़ होगा, और तुरंत दोस्तों 2-2.5 महीने में ही आपका परीक्षा करवा देगा, क्योंकि आपने हाल फिलहाल देखा JSSC JPSC एकदम फास्ट मोड में चल रही है, सरकार एकदम पूरी तरह से रेस में है कोई भी भर्ती प्रक्रिया को करने के लिए। तो एक बार दोस्तों यहां पर यदि फिजिकल हो जाता है तो आपका एग्जाम भी जल्दी होगा, इसलिए आप एग्जाम का भी बेहतर तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। आप सोचिएगा कि हम फिजिकल के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आप दोस्तों छटा जाइएगा, रेस से बाहर हो जाइएगा, आपको अभी से अपना प्रिपरेशन चालू करना है। तो यहां पर एग्जाम के लिए 2-2.5 महीना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो देखिए दोस्तों, फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि यहां पर आपका फाइनल ज्वाइनिंग जो है दिसंबर आते आते, ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग दे देगी सरकार। जहां तक मुझे आइडिया है कि दिसंबर तक दोस्तों आपका फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगा, और इसी बीच में सारा प्रक्रिया कर लेगा, मेडिकल एग्जाम फिजिकल सब चीज कर लेगा। और दिसंबर तक आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दोस्तों सरकार चाहेगी कि हम विद्यार्थियों को रोजगार दें, और इससे पहले दोस्तों आपका होने वाला है सब चीज। अब देखिए, हम आपको बता दें कि अभी से क्या करना चाहिए, तो अभी से आपको फिजिकल का तैयारी तो करना ही चाहिए, फिजिकल का तैयारी तो एकदम जरूरी है, साथ ही साथ दोस्तों आप एग्जाम का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि इस पे आपको थोड़ा बहुत अभी टाइम मिला है, इस पे ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। 1-2 दिन में इसका तैयारी बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप फिजिकल निकाल लेते हैं, दौड़ में पास भी हो जाते हैं ना, और एग्जाम में जा करके देखिएगा, यदि ढंग का क्वेश्चन पूछ दिया बहुत थोड़ा बहुत टफ तो दोस्तों आप वहां पर मार खा जाइएगा। इसलिए आपको करना क्या है कि अभी से एकदम बढ़िया किताब लीजिए और एकदम तैयारी में 100% जी जान से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी डिले होता है, होता तो जरूर है, अब मानते हैं 2 महीना लेट से होगा, लेकिन होगा तो जरूर ना। अब डेट आएगा और आप किताब खोजिएगा मार्केट पे, पढ़ने आइएगा, तो फिर आपका किताब खरीदा हुआ भी बेकार और पढ़ना हुआ भी बेकार, क्योंकि 1-1.5 महीने में तैयारी करना संभव नहीं है। जो पहले से पुराने स्टूडेंट उसके लिए तो ठीक है, जो JSSC JPSC दे रहा है, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो अभी से आप एग्जाम का तैयारी चालू रखिए। अब दोस्तों, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उससे पहले हम आपको फिजिकल का इसका डेट बता देते हैं कि आखिर फिजिकल डेट कब तक हो सकता है, आपका क्या इसका संभावना है। तो देखिए दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है, और बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज में इधर उधर यूट्यूब पर वीडियोस भी देखा होगा बहुत सारा, दोस्तों ये जो प्रोसेस है ना झारखंड पुलिस, ये बहुत ही मस्त वैकेंसी है स्टूडेंट के लिए भी और सरकार के लिए भी, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो जहां तक मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव, यानी लोकसभा का जो चुनाव होगा दोस्तों आपका, इसके जस्ट तुरंत बाद आपका दौड़ कंडक्ट करवा देगा ही। जहां तक मुझे लगता है कि 100% लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म होगा आपका ये
कंप्लीट हो शुरू कर देगा इसका काम, ठीक है, दौड़ का। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि जून महीना आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन मंथ होगा, क्योंकि इसी महीना में दौड़ होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है जून 2024 में। तो एकदम चिलचिलाती धूप में आपका दौड़ होगा, क्योंकि जून महीना में दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसी महीना आपका दौड़ होने का संभावना नज़र आ रहा है। तो आप देख लीजिए, यदि फॉर्म भरने के बाद अभी तक आप नहीं दौड़े हैं एक भी दिन, तो आप बैठिए मत, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अप्रैल है, मई है, दो महीना तो है ही, लगभग 50-60 दिन का समय है। आप एकदम तैयारी में लग जाइए, फिजिकल में, और फिजिकल के साथ साथ आप एग्जाम का भी तैयारी कीजिए। अब परीक्षा की तैयारी कैसे करें आपको हम बताते हैं कि एग्जाम का प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम का तैयारी के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हिंदी में, ठीक है। हिंदी अकेले 50 क्वेश्चन है, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज सबका अलग अलग है। उस पर दोस्तों मैक्सिमम 7 नंबर आपको मिलेगा, मैक्सिमम 7 मार्क्स है उस पर, ठीक है। और जैसे कि है ना कि 30% से ऊपर लाइएगा तो एक नंबर मिलेगा, 40% से ऊपर लाइएगा तो दो नंबर मिलेगा, इस तरह इस पर सिस्टम है। लेकिन जो आपका पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 बहुत आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, आपका हिंदी से 50 क्वेश्चन है और जीके से 25 क्वेश्चन है। तो उस पर आप एकदम जी जान से लग जाइए। और एक ज़रूरी बात आपको हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि झारखंड पुलिस का यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है दोस्तों, तो इस बात को एकदम बढ़िया से सुन लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि 15 अप्रैल 2024 को आरपीएफ का वैकेंसी निकल रहा है, ठीक है। इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसी तैयारी में, उसी प्रैक्टिस में, आप रनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यहाँ भी आपका काम आ जाएगा। यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है और झारखंड पुलिस में आपके 160 था, तो यहाँ भी आप उतना हो ही जाएगा लगभग। तो दोस्तों आप इसको भी फोकस करके रखिए, ठीक है। यदि झारखंड पुलिस किसी तरह मिस होता है तो इस पर आप एकदम कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर हम ले लेंगे, क्योंकि दोनों पुलिस ही है, क्योंकि दोनों क्या है, पुलिस है, दोनों में आपको वर्दी मिलेगा। ये रेलवे पुलिस हो गया और ये आपका झारखंड पुलिस हो गया, तो दोनों दोस्तों पुलिस ही है। यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं। इसका सिलेबस आपका 50 क्वेश्चन जीके जीएस से है, ठीक है, और आपका 35 क्वेश्चन है रीजनिंग से और 35 क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स से। मतलब झारखंड पुलिस का सिलेबस और इसका सिलेबस लगभग सेम है, तो आप इसका प्रिपरेशन भी कर लीजिएगा आरपीएफ के लिए, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया गोल्डन चांस है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जून महीना में दौड़ होने का संभावना है, तो आप उस हिसाब से तैयारी को अपना जारी रखिए। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे समय में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। बराबर बराबर बीच बीच में आप जेएससी का ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, जो भी सूचनाएं निकलती हैं ऑथेंटिक सही 100% जेएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। या फिर दोस्तों यदि आप नहीं देख पाते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा, जेएससी की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया ढंग से मैंने समझा दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।